हम तो बहुत दिनों से ये बात प्राइम मिनिस्टर से और बीजेपी वालों से कहते रहे हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं इसका जल्दी फैसला तो प्राइम मिनिस्टर से कहें कि वो अपने लॉ डिपार्टमेंट के जरिए से सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन दिलवाएं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की हियरिंग को एक्सपेडाइट कर दे और उसकी डे टू डे हियरिंग कर दे। तो अब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कि वो फैसला कर क्या करते हैं, और अगर वो करते हैं वहाँ एप्लीकेशन देते हैं तो हम उसको सपोर्ट करेंगे और हम भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस केस की हियरिंग को डे टू डे करने के लिए ऑर्डर पास करें। सहमति तो बन नहीं सकती, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, इस पर तो बेवजह वक्त ज़ाया करना। हम लोग बहुत ट्राई कर चुके हैं, शंकराचार्य साहब से 2 मरतबा बातचीत हो चुकी है पर्सनल लॉ बोर्ड की, उसके बाद 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर लेवल पर एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद की बातचीत हो चुकी है, उसके अलावा ये बूटा सिंह के ज़माने से कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन ये कंसर्न नहीं बन सकती है। क्योंकि उन लोगों का कहना ये है कि मुसलमान अपना क्लेम ख़त्म कर दें, जो आज सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं, तो मुसलमान अपना क्लेम ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं किसी भी मस्जिद पर। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा उसको, चूंकि उच्चतम न्यायालय है लिहाजा उसको मानना होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। हम इस बात को 25-30 साल के पिछले उसमें दौर में 1986 से कम अज़ कम हम इस बात को जान रहे हैं कि वो बीच बीच की बात नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो सुलह के कुछ